अच्छा, तो जो आज मैं आपके नेट के साथ प्रस्तुत हुआ, जो हमारा आज का पीठ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मिस्टर फर है, तो सतत एवं जो है जो व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा, तो इसके अंतर्गत पहले जो है सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन के बारे में जान ले कि सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन की अगर अवधारणा जान लें कि भारतीय जो विद्यालयों में मूल्यांकन के लिए यह लागू की गई एक प्रक्रिया होती है छात्रों, अगर हम सतत मूल्यांकन या व्यापक मूल्यांकन के दोनों के विषय में बात करें, इस मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रारंभ 2000 वर्ष से इसको प्रारंभ कर दिया गया था। सतत एवं जो व्यापक मूल्यांकन की जो हमारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सूत्रपात 2009 से माना जाता है। अगर इसके अंतर्गत देखें तो उसी के समय से जो है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में इसकी भी जो है जिस अवधारणा को प्राय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। छात्रों अगर देखा जाए छात्रों तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो अवधारणा है, इस अवधारणा का जो प्रयोग वो 6 से पहले 10 तक की कक्षाओं के लिए जो है इस मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया। फिर कुछ विद्यालयों में देखा जाए छात्रों वह इंटर तक या बारहवीं कक्षा तक इस मूल्यांकन प्रणाली को छात्रों अपनाया गया था। तो अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो इसमें इसकी जो है अगर इसके बारे में देखा जाए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा है, आपके दिमाग से ये बात को पूछती होगी सतत मूल्यांकन, तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों जो ये सतत जो है मूल्यांकन है जिसको हम छात्रों इसको हम कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के नाम से हम कहते हैं, तो सतत मूल्यांकन ये जो होने वाली मूल्यांकन नहीं होती छात्रों, यह निरंतर एवं दिन प्रतिदिन के विषय में बात करें या तो निरंतर एवं दिन प्रतिदिन जो है चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसा कि आपको मालूम होगा या हमने इसके पहले क्लास में बताया था मूल्यांकन के बारे में, तो मूल्यांकन एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में छात्रों जानी जाती है। मूल्यांकन एक जो से निरंतर है या तो मूल्यांकन से बात करें व्यापक अवधारणा है, मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो आपके ध्यान में बातें आती होंगी, जो इसके पहले मेरे चैनल को नहीं देखा था उसमें मैंने आपको केवल मापन एवं मूल्यांकन की केवल अवधारणा के बारे में बताया छात्रों इसके पहले कवर में थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन आज मैं आप लोग आपकी बातें आती होगी छात्रों कि मूल्यांकन होता क्या है। अगर मूल्यांकन के विषय में देखें छात्रों एक बार मैं सर्कल दिया कर बता दे रहा हूँ कि मूल्यांकन मूल्यों का अंकन करना, तो जो मूल्यों का अंकन करना होता है उसी प्रक्रिया को हमको मूल्यांकन क्रिया की प्रक्रिया को हम मूल्यांकन करते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोषों की जो विवेचना करना, किसी व्यक्ति के गुण दोषों की विवेचना करना, उन यही करना ही उसको क्या कहलाता है मूल्यांकन कहलाता है। किसी छात्रों या किसी वस्तु के गुण दोषों की जो विवेचना करने का कार्य रहता है उसी को हम छात्रों मूल्यांकन कहते हैं। अगर मूल्यांकन के बारे में छात्रों देखें तो इसके क्षेत्र में प्रदर्शन की जो डिफिनेशन आती है, फिर अगर प्रदर्शन को हम छोड़ दें इसमें गोर डिफिनेशन आती है, ट्यूलिंग भंडा की भी डिफिनेशन आती है, तमाम सारे जो है शिक्षा साथी हैं जो ने अपना डिफिनेशन दिया है, तो हम एक या दो डिफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं छात्रों। जैसे यहाँ पर मैं डिफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जो पहला जो डिफिनेशन प्रदर्शन के अनुसार है, जो ये प्रदर्शन में ये कहा है छात्रों तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी वस्तु के मूल्यों को सुनिश्चित करने का कार्य करती है छात्रों। इसी प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया, इसी प्रकार से शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया और अनुभवों की उपयोगिता के आधार पर जो निर्णय देने का कार्य किया जाता है छात्रों उसी को शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। अब शैक्षिक मूल्यांकन की बात एक जो हमारे क्लास में आते हैं प्रदर्शन की बात आते हैं दिलपोड़ आते हैं
जो बिल्कुल ने मूल्यांकन के बारे में बताया है कि मूल्यांकन एक गणित प्रक्रिया है छात्रों, जो किसी वक्त के मूल्य को निश्चित करने का या किसी मूल्य को अंश प्रदान करने के लिए प्रक्रिया होती है। अब बिल्कुल की बात अब किए छात्रों, इन्होंने ये कहा है कि शिक्षालय या विद्यालय में छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों, प्रमाण पत्रों को जो एकत्रीकरण करने का कार्य किया जाता है छात्रों, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। फिलहाल वो मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सतर एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की जो जो सतत मूल्यांकन की जो हमारी प्रक्रिया होती है या इसको इस तरीके से देखते हैं महत्व के बारे में जान लें कि ये सतत मूल्यांकन का क्या महत्व होता है। इसके माध्यम से देखें छात्रों बालक की योग्यता एवं अर्हता के बारे में, सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की जो योग्यता एवं अर्हता के बारे में जो है उस बारे में उसे नियमित रूप से उपयोगी जो तथ्यों का ज्ञान देने का कार्य इसके तहत किया जाता है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया जो है छात्रों संदेह संबंधित होती है। अगर इतना सारे छात्रों जो सतत मूल्यांकन होती है क्या है इसके अर्थ के बारे में हम आपको बता सकते हैं छात्रों, इसके नीति के बारे में। अब इसमें नाम है आपको कि सतत मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहते हैं जिसमें दिन, माह, प्रतिमाह, छमाही आदि के माध्यम से छात्रों के गुणों की जो जांच की जाती है छात्रों, उसी को ही हम मूल्यांकन करते हैं। सतत मूल्यांकन जिन मूल्यांकन में दिन, सप्ताह, प्रतिमाह, छमाही आदि के माध्यम से छात्रों की जो गुणों की जांच निरंतर करने का कार्य किया जाता है छात्रों, उसी को हम कहते हैं सतत मूल्यांकन या उसी को सतत मूल्यांकन के नाम से छात्रों जानते हैं। इसलिए हमारे जो है सतत मूल्यांकन के यज्ञ के बारे में छात्रों ने आपको बताया। अब देखिए छात्रों जो सतत मूल्यांकन है इसका एक क्षेत्र आता है, जैसे देखा जाए तो सतत मूल्यांकन का जो अगर क्षेत्र के विषय में देखा जाए तो ये व्यापक ही है। जैसे व्यापक हमारा मूल्यांकन कहिए है इसका जो क्षेत्र होता है छात्रों बिल्कुल विस्तृत होता है। अगर इसके क्षेत्र के बारे में देखें इसके क्षेत्र में कई वास्तु छात्र इसमें आती है, जैसे इसमें छात्र की अभिरुचि आता है छात्रों, छात्र की अभिरुचि आती है, जिसमें बोलते जुड़ा स्टूडेंट बोलते हैं। छात्र की अभिरुचि की बात आता है अभिरुचि रखती है छात्र की विशिष्ट योग्यताएं के बाद जो पांचवा पॉइंट नंबर आता है छात्र की सृजनात्मकता हो गया। अब छात्र की जो है सृजनात्मकता के बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है पारिवारिक रुचियां, पारिवारिक जो है रुचियां हो गया, पारिवारिक जो है रुचियां हो गया, फिर पारिवारिक जो रुचियों की बात इसमें देखें वैयक्तिक रुचियां आ गया छात्रों में, वैयक्तिक रुचियां हो गया,
पारिवारिक रुचियों की बात वैश्विक रुचियों का तो हो गया, फिर जो वैश्विक रुचियों की बात आगे बढ़ाता है शारीरिक शारीरिक स्थिति एवं स्वास्थ्य हो गया, एवं स्वास्थ्य हो गया। अब इसी के तहत जो नवा पॉइंट हमारा मन को आता है वो ज्ञान आता है, ज्ञान हो गया, फिर दसवा बोध हो गया छात्र, फिर बोध के बाद ग्रामा आता है, अंत योग रहता है। तो अगर इसके बारे में छात्र को देखें, ये जो है सतत जो मूल्यांकन होते हैं, इस मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी बातें की जाती हैं। तो पहले हम देखते हैं छात्र की अभिरुचि, लेकिन सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो इसमें जो पहला क्षेत्र है छात्र की अभिरुचि, छात्र का उस विषय के प्रति कितना रुचि है, उसको कितना उसको जो है पढ़ने में उसकी रुचि है, ये जो है सतत मूल्यांकन के क्षेत्र में पहला है जो है छात्र की अभिरुचि। फिर नंबर जो दूसरा आता है छात्र की शैक्षिक उपलब्धि, तो जो सतत मूल्यांकन का जो है दूसरा प्रमुख क्षेत्र होता है वह छात्र की शैक्षिक उपलब्धि है, कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ने कितना जो है ज्ञान अर्जित किया है, इस शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ने कितने ज्ञान को वो हासिल किया है, यही इनका जो है हासिल करना है जो है शैक्षणिक उपलब्धि कराती है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो ये सतत मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के क्षेत्र की दूसरी विशेषता है छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि, यानी शिक्षा के क्षेत्र में छात्र ने जो उपलब्धि हासिल किया है वही उसकी शैक्षणिक उपलब्धि कराती है छात्रों। अब इसी तरीके से देखें छात्रों, जो ये सतत मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के तहत जो नंबर 10 पॉइंट कहता है छात्रों वो छात्र की उपलब्धियां, जो ये सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के जो तीसरा मुख्य क्षेत्र है, इसमें छात्र की उपलब्धियां, छात्र कितनी गलती कर रहा है, इस ढंग से वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ये भी क्या है छात्र की उपलब्धियां भी जो है जो सतत मूल्यांकन है छात्रों, इस मूल्यांकन के तहत जो तीसरे प्रमुख क्या है क्षेत्र की विशेषताएं कर सकते हैं, या तो जो सतत मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के क्षेत्र की जो है तीसरी जो है मुख्य विशेषता या मुख्य क्षेत्र यह है तीसरा क्षेत्र वो छात्र की त्रुटियां, छात्र किस तरीके से गलती कर रहा है, अगर छात्र गलती कर रहा है तो जाहिर सी बात उसको कंटिन्यू मूल्यांकन के माध्यम से उनके अंदर जो है सुधार करना संभव हो जाता है। तो छात्र की जो त्रुटियों को जो है दूर करना, और उसके बाद आगे जो आता है छात्र की दृष्टि बताई जाती है, जो सतत मूल्यांकन के ही माध्यम से ही, या इसका जो क्षेत्र है, या अगर हम इसके क्षेत्र की विशेष बात करें, जो ये सतत मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन का क्षेत्र यह है कि इसके माध्यम से हम छात्रों के विशिष्ट जो जो योग्यताओं का भी हम आकलन कर लेते हैं, जैसे विशिष्ट जो योग्यता है क्या क्या के बोलो, जैसे यांत्रिक योग्यता छात्रों आते हैं, क्या इसमें यांत्रिक योग्यता आ गया बोलो, उसके बाद जो है संगीत योग्यता, ये क्या होती है संगीत जो योग्यता हो गया, कहीं का मतलब जो ये बालक में क्या है विशिष्ट विचार हुए, या एक बालक के अंदर जो विशेष प्रकार की जो एबिलिटीज पाए जाते हैं उसी प्रक्रिया को हम छात्र की विशिष्ट होता है, या इसके संदर्भ में एक ही छात्र हूँ जो ये मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के क्षेत्र की जो चौथी महत्वपूर्ण भूमिका है क्षेत्र की है कि छात्र के अंदर कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो हुनर पाए जाते हैं उनके अंदर, जो कि मैंने आपको राष्ट्रीय क्षेत्रता के बारे में, अब आप लोगों के दिमाग बात की आती होगी छात्र कि जैसे यांत्रिक योग्यता क्या है,
आप देखें कि यांत्रिक योग्यता जो कि सामाजिक जो कौशलों में एक महत्वपूर्ण कौशल है, इस कौशलों में या इन कौशलों का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। छात्रों जैसे जैसे सामाजिक कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज में के योग कुशल हो जाता है, समाज में कुशल हो जाता है, तो इसी से जो है एक अंतर है जो यांत्रिक योग्यता। तो व्यक्ति अपने जो यंत्रों के माध्यम से जब कुशल हो जाता है, व्यक्ति अपने यंत्रों के माध्यम से या तो व्यक्ति अपने जो यंत्रों में जब कुशल हो जाता है छात्रों, तो उसी जो है उत्तर को ये एक यांत्रिक योग्यता कहते हैं। जब योग हो गया तो जाहिर सी बात है उनके अंदर सत्ता का विकास हो जाता है छात्रों। जैसे आपको कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ छात्रों, जैसे कंप्यूटर के बारे में छात्रों, जैसे कंप्यूटर के बारे में छात्रों उसको जानकारी जैसे किसी छात्र को नहीं है, अगर जब उनकी जो यंत्रों के बारे में कैसे चलता है, कैसे बंद होता है, यह सीपीयू कार्य क्या है, मॉनिटर कार्य क्या है, उसको अच्छे ढंग से उसके बारे में हुआ जानकारी हासिल कर लेता है, यही हासिल करना ही छात्रों उनकी एक विशिष्ट योग्यता का कार्य करता है छात्रों का। तो अगर देखें तो अब देखें तो यांत्रिक जो योग्यता के बाद मैं आपको कुछ योग्यता के विषय बताया, जैसे योग्यता कुछ जो अच्छी योग्यताएं ऐसी होती है कि जिनमें छात्र संगीत के क्षेत्र में प्राय निपुण होते हैं, जो संगीतज्ञ जो है जो योग्यता तो कुछ योग्यताएं ऐसी होती हैं कि जिनमें छात्र संगीत के प्रति भी अपने आप को जो योग्य रखते हैं या योग्यता हासिल करते हैं। जैसे इसमें बात करें गिटार को बजाना, गिटार बजाना या तो और हारमोनियम बजाना, तो इस तरीके से जो कुछ संगीत के क्षेत्र में छात्र जो अपनी योग्यता रखते हैं उसी जो योग्यता को हम क्या कहते हैं संगीतज्ञ जो योग्यता के नाम से छात्रों कहते हैं। जो अगर देखा जाए तो ये जो सतत मूल्यांकन है, तो इस मूल्यांकन की जो है क्षेत्र की जो चौथी जो है योग्यता क्या है कि छात्र के विशिष्ट योग्यता, यानी प्रत्येक छात्र के अंदर कुछ न कुछ छात्रों विशिष्ट प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। जैसे और ये कहता है मैकेनिक जो है ये क्या है मैकेनिक जो योग्यता, कुछ जो है यंत्र ऐसे होते हैं कि जो कि मैकेनिक या मशीनरी जो यंत्रों में कुछ छात्र बिल्कुल ही योग्य होते हैं छात्रों, इसीलिए उनको हम बोलते हैं मैकेनिक योग्यता के क्षेत्र में कुछ छात्र हासिल होते हैं। तो ऐसे कुछ योग्यताएं हैं जो कि छात्रों के अंदर प्राय निहित होती है छात्रों, तो ये छात्र की क्या है विशिष्ट योग्यताएं हो गया। अब छात्र की जो योग्यताएं के बाद आगे आता है छात्र के सृजनात्मकता। अब देखिए आप लोगों के बातें दिमाग बातें ऐसे होंगे जो कि सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत जो पांचवी जो है मुख्य आवश्यकता या कह सकते हैं मुख्य क्षेत्र है वो तो छात्र की सृजनात्मकता है। अगर इसके बारे में देखें तो इसको अंग्रेजी में छात्रों बोलते हैं क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं छात्रों क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों सृजन करने की जो क्षमता, सृजन करने की क्षमता भी सृजन करने की जो क्षमता एक व्यक्ति के अंदर चाली रहती है उसी को उनकी क्या बोलते हैं सृजनात्मकता कहलाती है, या वही उसकी क्या कहलाती है सृजनात्मकता की प्रक्रिया वही कहलाती है। अब देखें जैसे इसके संदर्भ में बात करें तो गिलफोर्ड की डिफिनेशन आती है, तो इसके संदर्भ में क्या है कि सृजनात्मकता जो है मौलिक पर्यावरण या मौलिक वातावरण में ये प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है
क्या है छात्रों में जो है सजेस्ट करने की क्षमता जो विद्वान होती है छात्रों उसी को हम क्या कहते हैं निर्भरता कहते हैं। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जिस प्रकार गिलफोर्ड की डिफिनेशन होती है कि सृजनात्मकता जो होती है वो मौलिक परिणामों के अभिव्यक्ति सृजन करने की जो क्षमता होती है छात्रों वो मौलिक परिणामों में अभिव्यक्त करने की क्षमता से निहित है छात्रों। अब ये आपको जो है छात्र की सृजनात्मकता के बारे में बताया छात्रों। फिर इसी के बाद छठा नंबर जो होता है पारिवारिक रुचियाँ जो ये सतत मूल्यांकन है छात्रों। इस मूल्यांकन के तहत या इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो ये छठा पॉइंट होता है पारिवारिक रुचियाँ। कुछ रुचियाँ छात्र वैसी होती हैं जो कि वो परिवार के साथ भी हुई होती है, इसीलिए पारिवारिक जो रुचियों का एक विशेष महत्व स्थान होता है जो कि ये सतत मूल्यांकन के क्षेत्र की ये छठी जो है विशेषता है क्षेत्र की पारिवारिक रुचि यानी जो है परिवार रुचि छात्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है वैयक्तिक रुचियाँ। अब देखिए जो वैयक्तिक रुचियाँ क्या है छात्रों, कुछ रुचियाँ ऐसी होती हैं छात्रों जो कि एक व्यक्ति विशेष में प्रायः इन गुणों का उनमें समावेश छात्रों पाता है। कुछ जो है कुछ बात करके खुशियाँ ऐसी होती है जो कि विशेष में पाई जाती है, जैसे इसमें प्रश्नावली हो गया छात्रों, प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया छात्रों में, साक्षात्कार हो गया, आदि कुछ ऐसी जो है विधियाँ है जो कि छात्रों में जो है वैयक्तिक या व्यक्ति विशेष में उन्हें जो है रुचि प्रदान करने का कार्य करती है छात्रों। अब देखें वैयक्तिक रुचियों में जैसे इसमें आता है क्या है प्रश्नावली या फिर साक्षात्कार। आगे आपको हम इसके बारे में बताएंगे क्या प्रश्नावली होती है, क्या साक्षात्कार होते हैं, इन सब के बारे में छात्र बताऊंगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली से बात करें तो यह प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने का एक साधन होता है छात्रों, जिसमें उत्तरदाता स्वयं इसकी पूर्ति करने का प्रयास करता है छात्रों। अगर इसके बाद देखें तो एक अंतर है प्रश्नावली के बाद एक है कि साक्षात्कार होते हैं छात्रों। तो साक्षात्कार क्या होते हैं छात्रों, देखिए जो साक्षात्कार होता है अंग्रेजी में छात्रों हम इसको इंटरव्यू के नाम से जानते हैं छात्रों। तो इंटरव्यू में देखा जाए इसमें दो शब्द हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू, इंटर का मतलब आंतरिक हो गया, व्यूज का मतलब विचार, यानी एक छात्र या व्यक्ति का जो आंतरिक विचार होता है उसी को हम साक्षात्कार बोलते हैं छात्रों। जैसा कि इसमें गुड हैट है और तमाम थिंकर में जो है साक्षात्कार के बारे में भी अपना विचार किया है छात्रों। जैसा कि जो है साक्षात्कार के संदर्भ में उन्होंने कहा है छात्रों कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण एक वार्तालाप होता है छात्रों। अब देखिए यह साक्षात्कार के बारे में आपको बताया जो कि वैयक्तिक जो रुचियाँ होती हैं यानी प्रत्येक व्यक्ति विशेष में जो रुचियाँ विद्यमान होती हैं उस जो सोच के तहत ये सारी चीजें प्रश्नावली से हो गया, फिर साक्षात्कार हो गया, इन सभी का समावेश से उनके जो संबंध होती है छात्रों। तो ये था जो है जो वैयक्तिक जो सूचना था वो कुछ के बाद आगे आता है शारीरिक स्थिति एवं स्वास्थ्य। अगर देखा जाए तो जो ये मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के तहत इनके क्षेत्र के बारे में चर्चा की जा रही है, इनके क्षेत्र में जो आत्मा पॉइंट छात्र आता है शारीरिक स्थिति, उस बालक की जो है शारीरिक स्थिति कैसी है, कैसा है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी भार कैसा है, ज्यादा वजन क्या है, ज्यादा मतलब हल्का है, ये सभी जो है सारी चीजें जो है इनके अंतर्गत शारीरिक को स्पष्ट करने का प्रयास है। भार जो लंबाई है एक बालक छात्र की उसको ये स्पष्ट करने का यहाँ पर पॉइंट में प्रयास किया जाता है। इसके बाद में बोलता है छात्रों
सतत मूल्यांकन के माध्यम से ये शारीरिक शक्तियाँ इसमें संभव होती हैं। तो शारीरिक शक्ति हो गया तो उनके जो स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है कि उस बालक का हाजिर कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है नहीं है, तो उनके जो स्वास्थ्य के बारे में भी मूल्यांकन के माध्यम से ये शारीरिक प्रक्रिया जो है संभव होती है छात्रों की जांच करने से। तो शारीरिक जो है एवं जो स्वास्थ्य ये क्या है जो सतत मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत आत्मा जो पड़ने वाली है शारीरिक प्रकृति एवं स्वास्थ्य हो गया। फिर आगे जो छात्र यात्रा है क्या नाली यात्रा है, आगे जो पॉइंट लगता है क्या नाली। अगर इसके बारे में लिखे हैं तो जो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र के बारे में मैंने बताया, इसका जो क्षेत्र है छात्रों अत्यंत ही विस्तृत है। तो इसके क्षेत्र में जो नवा जो है क्षेत्र आता है ज्ञान, तो जो सतत मूल्यांकन का जो मुख्य होता है एम या मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों के अंदर जितना ज्ञान है उसके ज्ञान की जो है जानकारी जो है लेना ही जो है सतत मूल्यांकन कराता है। जैसे ज्ञान का मतलब छात्र उसके पहले, जैसे मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में पहले बता दिया कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक उसके पहले कितना ज्ञान प्राप्त किया है या उसे नहीं प्राप्त किया है उसकी जानकारी हमें कौन बताता है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है वही हमको बताने का प्रयास होता है। तो ये मैंने आपको ज्ञान के बारे में बताया, जो ये सतत मूल्यांकन के मुख्य क्षेत्र में ज्ञान जो है लेने का कार्य अध्यापक के माध्यम से किया जाता है या जो ज्ञान छात्रों की जानकारी लेने का किया जाता है के माध्यम से। ये आगे आता है छात्रों अंडरस्टैंडिंग आता है। सतत मूल्यांकन के जो क्षेत्र में जो दसवां या अगला पॉइंट जो आता है अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसको हम, अंडरस्टैंडिंग या जो दसवां बोलते हैं छात्र बोध कहते हैं। बोध का मतलब छात्रों ये होता है कि छात्र ने कितना जो है ज्ञान क्या कितना लिया है, कितना इसके पहले उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, कितना सीखा है। तो यह सभी जो है सतत मूल्यांकन के माध्यम से जो है करना या सतत मूल्यांकन के क्षेत्र के माध्यम से बोध या छात्रों को कितना ज्ञान है उन सभी की जो जानकारी लेना चाहिए इस मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत जो अंतिम हमारा क्षेत्र है वो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन के अंतर्गत देखें, एप्लीकेशन है इसके अंतर्गत देखें कि छात्र ने कितना प्रयोग किया है, इसके पहले किस प्रयोग के बारे में वह पारंगत है। तो ये जो है सतत मूल्यांकन के जो है माध्यम से लिखा गया छात्रों यह सारी प्रक्रिया जो है इसे संभव होती है छात्रों। सतत मूल्यांकन अब मैं अभी तक आपको इसके क्षेत्र के बारे में छात्रों जानकारी दिया कि सतत जो मूल्यांकन है इसकी क्या जो है कार्य प्रणाली होती है छात्रों, इसके जो कार्य प्रणाली से आपको अच्छा कराया इसके देखिए जो कार्य प्रणाली है इसकी कार्य प्रणाली में जो है अलग प्वाइंट कहता है शैक्षिक उद्देश्यों का डिटरमिनेशन करना या शैक्षिक जो है उद्देश्यों का करना। अब देखें जो सतत मूल्यांकन के जब प्रणाली जिसे मानते हैं इस प्रणाली की जो पहली जो है जो प्रणाली जो शैक्षिक
उद्देश्यों का किस तरीके से डिटरमिनेशन किया गया, इसका निर्धारण कैसे किया गया, किस ढंग से किया जाता रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट है स्ट्रेटजी जो है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करने में जो है इसकी चार प्रणाली नीति है। फिर आगे जो आता है छात्रों उद्देश्य की व्याख्या आती है। अगर सतत मूल्यांकन के बारे में देखें छात्रों इसकी चार प्रणाली जो दूसरे स्कूलों की शिक्षा है तो वो उद्देश्य की व्याख्या, तो क्या आपने उद्देश्य बनाया है, किस ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन किया है, उसको भी स्पष्ट होना चाहिए छात्रों। तो यहाँ पर जो ये सतत मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के जो कार्यप्रणाली की दूसरे उद्देश्य की व्याख्या को स्पष्ट करना है। तो पहला मैंने क्या बताया शैक्षिक उद्देश्यों का जो है डिटर्मिनेशन, फिर जो दूसरा आता है उद्देश्यों या उद्देश्य की व्याख्या हो गया छात्रों। फिर नंबर आता है जो है परिस्थिति का ज्ञान, जो सतत मूल्यांकन है छात्रों इस मूल्यांकन के कार्यकाल है जिसके माध्यम से हम परिस्थिति का ज्ञान कर लेते हैं, कैसी जो परिस्थिति है वहाँ का वातावरण कैसा है, इन सब के माध्यम से या इसका प्रमुख कार्य है या इसकी जो प्रणाली है उनका प्रमुख कार्य प्रणाली यही है कि इसके माध्यम से हम जो परिस्थिति का ज्ञान करने में सहायक हो जाते हैं या परिस्थिति का ज्ञान करने में छात्रों सक्षम हो जाते हैं। अब परिस्थिति के ज्ञान के बाद आगे जो फोर्थ पॉइंट है मूल्यांकन में शिक्षा प्रणालियों का चयन। आप जैसे मूल्यांकन का कार्य छात्रों के समझ कर रहे हैं तो उनमें किन किन जो है शिक्षा प्रणालियों का चयन किया है उनको भी भली भांति स्पष्ट करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अभी भी इसके पहले छात्रों मैंने आप सबको जैसे मूल्यांकन के जो इसके पहले मैंने विषय थे या जो सतत मूल्यांकन के बारे में पहले मैंने इसके क्षेत्र के बारे में छात्रों को बताया उनके क्षेत्र में कुछ प्रणालियां जैसे मैंने आपको प्रश्नावली के बारे में बताया या तो कुछ इंटरव्यू या जो साक्षात्कार होते हैं इन सभी विधियों के बारे में समझाने या बताने का छात्रों ने प्रयास किया था। यहाँ पर देखें तो शिक्षा प्रणालियों का चयन तो सतत मूल्यांकन की कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसके माध्यम से जो है शिक्षा प्रणालियों का चयन भी किया जाता है। यहाँ जो है शिक्षा प्रणालियों में किनका चयन किए हैं मूल्यांकन क्षेत्र में जैसे इसमें कुछ प्रणालियों बात करें हम जैसे इसमें व्याख्यान प्रति हो गया प्रश्नावली प्रति हो गया कार्यशाला प्रति हो गया तमाम सारी जो प्रणालियां जो है या जो 12 प्रणालियां हैं या जो 14 प्रणालियां हैं आप जो है मूल्यांकन के क्षेत्र में या जो इनके मूल्यांकन की कार्यपाली है इनके तहत का चयन मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्रों किया गया है। अब इसके बाद छात्रों जो पांचवा नंबर हमारा आता है छात्रों प्राविधियों का प्रयोग। अब देखें तो जो सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली है इस अगर कार्यप्रणाली के बारे में देखा जाए तो इसमें प्राविधियों का किस ढंग से छात्रों प्रयोग किया गया है किस प्रविधि का है आपको बिल्कुल पहले मैं बता चुका हूँ छात्रों कि प्रविधि क्या है। देखिए छात्रों जो प्रविधि है वो कह सकते हैं मुख्य विधियाँ हैं जिसको कहते हैं ये विधि से बिल्कुल सेपरेट होती है छात्रों जो विधि होती है वो प्रविधि से बिल्कुल सेपरेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षण जो है प्रविधि है इसी को शिक्षण नीति के नाम से छात्रों जानते हैं इसको हम इसी को जो है शिक्षण व्यू जो सिद्धांत के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है प्रविधियों यहाँ पर जैसे मैंने आपको वेनिंग या विद्रोह के रूप में बताया जो शिक्षण प्रवृत्ति है वो जो है शिक्षण का एक छात्रों कैसा कार्य है छात्रों गतिशील कार्य है। शिक्षण प्रवृत्ति जो होता है शिक्षण का एक गतिशील कार्य होता है और इसी के तहत मैंने आपको बताया प्रविधियों का जैसे
सतत मूल्यांकन के कार्य से मैंने बताया कि उसमें दिदिनमान प्रतिमान छवाही के बाद की जांच उसमें की जाती है। तो इसके तहत आप कौन कौन सी जो है बिंदुओं का प्रयोग किया है छात्रों को समझाने बताने के लिए, जैसे मैंने व्याख्यान या जो विधि है या जो विवरण से इस प्रवियों का प्रयोग किया है मूल्यांकन की कार्यशाले में, ये भी मान लगता है। अगला आपका जो छठा जो है निष्कर्ष निकालना आता है, तो जो निष्कर्ष निकालना या तो उसके तहत करना है, तो जैसे आप सतत मूल्यांकन की जो है कार्यप्रणाली का अध्ययन छात्रों को कर लिया है छात्रों के सामने से अध्यापक जब सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के गुणों की जांच जब कर लेता है, एक लास्ट होता क्या है कि वो काम पूछते हैं कंक्लूजन पर, फिर वो निष्कर्ष जो निकालने का प्रयास करते हैं कि हाँ इन सत्र छात्र ने इतना सीखा है, इन गुणों की उनकी जो जानकारी है, तो ये जो निष्कर्ष करने के बाद जो प्रक्रियाएँ की जाती हैं। आगे जो हमारा छात्र आता है सातवां नंबर पर प्राप्त प्रदत्त प्रदत्त प्राप्त प्राप्त प्रदत्त का विश्लेषण, यहाँ पर छात्रों प्राप्त होगा प्राप्त प्रदत्त का विश्लेषण, इसके तहत आपको जानकारी दे रहा है। प्राप्त माने छात्र ने मतलब प्राप्त किया, प्रदत्त माने इससे जो दिए गए यहाँ पर जो है आंकड़े आते हैं, प्राप्त प्रदत्त का विश्लेषण जो इसमें दिए गए आंकड़े होते हैं उनका किस ढंग से जो है किया गया है, उसका जो विश्लेषण किस ढंग से जो है छात्रों के समक्ष किया गया है, इसका इसमें प्राय अध्यक्ष का कार्य किया जाता है। विश्लेषण भी यह है सतत जो है मूल्यांकन की कार्यप्रणाली का यह छात्रों का अभिन्न अंग है। अब उसके बाद जो है आगे आपका छात्रों भविष्य मानी जाती है, तो ये भविष्यवाणी है जो सतत मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के कार्यप्रणाली के तहत आपने कितना जो है प्रेडिकेट या भविष्यवाणी की है, इसके पहले छात्र ने इतना इसको जानकारी होगा, इसके पहले उतना जानकारी हासिल किए हैं, इन सबके माध्यम से जो है कुछ अपने दिमाग पर ज्ञापन जो भविष्यवाणी करेगा, यही जो है आपके अध्यापक के लिए छात्र ने ये चीज सीखा होगा। यही है कि मैं जो सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली के तहत मैं आपको इस पदों के बारे में बताया छात्रों, या इसके बारे में आपसे समक्ष चर्चा किया, सतत मूल्यांकन क्या होता है, इसके अर्थ के बारे में, इसका क्षेत्र छात्र क्या होता है, इसके शिक्षा प्रणाली के बारे में हम किया, फिर आगे जो आता है यहाँ पर हमारा व्यापक जो आगे हमारा रहता है व्यापक जो है मूल्यांकन के बारे में आप जान रहे छात्रों कि व्यापक मूल्यांकन किसको कहते हैं छात्रों। देखिए जो व्यापक मूल्यांकन अब छात्रों जाने क्या है, आप देखिए व्यापक मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को छात्रों कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत छात्रों के सभी पक्षों का विकास का कार्य किया जाता है, या कैसे कह सकते हैं व्यापक मूल्यांकन उसे कहते हैं जिसके माध्यम से छात्रों के सभी पक्षों का विकास किया जाता है, जैसे सभी पक्ष में ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक, जिसमें सभी बच्चों के विकास के कार्य पर बल देने का या बल देने का कार्य किया जाए, तो उन्हीं को हम जो है व्यापक मूल्यांकन के नाम से उसको हम जानते हैं, या उसी को व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। अब व्यापक मूल्यांकन के बाद आप देखेंगे पर हम कुछ व्यापक मूल्यांकन कुछ सवाल कुछ जो है बातें छात्रों इसमें पाई जाती है व्यापक मूल्यांकन में। अब देखें जो व्यापक मूल्यांकन है छात्रों, इसमें अगर व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम देखें तो इसमें पहली बात आता है कि वैयक्तिक एवं सामाजिक तत्व रखता है। जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें पहला पॉइंट क्या आता है छात्रों, वैयक्तिक
वैयक्तिक एवं सामाजिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सद्भाव, वैयक्तिक एवं सामाजिक सद्भाव हो गया। फिर इसी तरीके से जो नंबर दो पॉइंट आता है वैयक्तिक एवं सामाजिक जो है सद्भाव के बाद जो नंबर थर्ड पॉइंट आता है पाठ्यक्रम संबंधित ज्ञान रहता है। जो दूसरा शब्द क्या होता है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हो गया, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हो गया। फिर इसके बाद जो है नंबर थर्ड आता है स्वास्थ्य विवरण, क्या कहता तो स्वास्थ्य विवरण आता है। फिर स्वास्थ्य विवरण के बाद फिर फोर्थ नंबर आता क्या है एक नंबर पर स्वास्थ्य विवरण हो गया। फिर जो है फोर्थ नंबर आता है छात्र की अभिरुचि आ गया, छात्र की अभिरुचि हो गया, छात्र की अभिरुचि, छात्र की अभिरुचि के बाद फिर आगे जो पांचवा नंबर आता है अभिरुचि के बाद एक एटीट्यूड या अभिरुचियां आती है, अभिवृत्तियां अभिवृत्तियां। अब इसके बारे में छात्र थोड़ा बता देते हैं। अब देखें सतत मूल्यांकन के साथ यहाँ पर जो हमारा चल रहा है यह टॉपिक है वायरस इवोल्यूशन या जिनको हम कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन करते समय तो सर्वप्रथम इसमें सावधानियां इसको ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक सद्भाव। तो एक व्यक्ति से एवं कह सकते हैं जो सामाजिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए इन सभी को हमको फॉलो करना चाहिए। या जो व्यापक मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के माध्यम से जो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक सद्भाव का भी जो प्रयोग करके आगे हमको बढ़ना है। व्यक्तित्व का मतलब छात्रों जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल होते हैं, एक व्यक्ति विशेष के जो स्वभाव है या सामाजिक के जो स्वभाव या अच्छे भाव विचारों को इसी के माध्यम से छात्रों व्यक्त किया जाता है। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों कि व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में व्यक्तित्व और सामाजिक सद्भावना का उनके अंदर विकास या डेवलपमेंट कर सकते हैं छात्रों। तो वर्तमान एवं सामाजिक जो सद्भाव के बाद जो नंबर तक हमारा पॉइंट है या नंबर दो पर जो हमारा है पाठ्यक्रम संबंधित क्रिया है। तो व्यापक जो मूल्यांकन है इस मूल्यांकन की हमारी जो दूसरी आवश्यकता या इसकी जो विशेषता यह होती है इसके इसके माध्यम से पाठ्यक्रम संबंधित समस्त क्रियाएं या इसमें जो पाठ्यक्रम संबंधित समस्त क्रियाएं हैं इसमें सम्मिलित है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या क्रिया करना है, पाठ्यक्रम कितना लंबा है, पाठ्यक्रम को जो साठ घंटा है इसमें क्या क्या क्रियाएं की जा रही है। कहने का मतलब ये सब इसके माध्यम से जो होता है छात्रों व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं को जो है संचालित किया जाता है छात्रों। ये पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रिया के बाद ये आगे हमारा छात्र आता है स्वास्थ्य विवरण। तो जो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाए जो हमारे सभी जो है मतलब विशेषता का सकते हैं कि आवश्यकता जो है स्वास्थ्य के जो जो विवरण है या स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी देने के लिए व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए छात्रों तो जो ये हमारा व्यापक मूल्यांकन है इसके अंतर्गत सभी प्रकार के मूल्यांकन इसमें सम्मिलित है, छात्रों के सभी पाठ्यक्रम में आते हैं, कोई भी अच्छा ऐसा प्रश्न नहीं जो कि इसमें समाहित न हो व्यापक मूल्यांकन में। तो कहने का मतलब यह छात्रों है कि जो व्यापक मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में स्वास्थ्य विवरण को भी जो है प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यह व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों फिर अगला जो पॉइंट करना है छात्र की अभिरुचि। तो व्यापक मूल्यांकन के अगर ध्यान देने की बातें या इनकी जो आवश्यकता है
की आवश्यकता जो है छात्र की क्या अनुच्छेद है, छात्र की क्या अनुच्छेद है, इसके बारे में जो जानकारी प्रदान करने के लिए हमको इसकी आवश्यकता आवश्यकता प्राप्त होती है। अगला जो है पांचवा नंबर रहता है छात्रों आगे वृत्तियां, एप्टीट्यूड्स। अगर इसके बारे में देखें छात्रों आगे वृत्तियां वृत्ति क्या है, देखिए आगे वृत्तियां इसके अंतर्गत जो है समाजवादी, इसके अंतर्गत देखते हैं समाजवादी कुछ शब्द है जो कि जैसे समाजवाद के धर्म से कुछ ऐसे शब्द है जो कि आदर्शियां या एटीट्यूड के अंतर्गत जो एटीट्यूड के अंतर्गत ये सारी बातों को उसमें समाहित किया है छात्रों। जो यहाँ व्यापक मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के तहत जो वृत्तियाँ एक मुख्य जो है अंग है व्यापक मूल्यांकन का। तो हमारा ये आश्रय का प्रश्न, ये हमारा आश्रय का प्रश्न छात्रों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा था। इस मूल्यांकन की अवधारणा में मैंने सतत मूल्यांकन की जो है पहले बताया क्या अधिकार होते हैं, फिर उसके बाद मैंने इसके क्षेत्र के बारे में छात्रों आपको बताया कि इसके क्षेत्र के बारे में इसकी कार्यवाही क्या होती है, फिर इसके बाद व्यापक मूल्यांकन क्या होता है छात्रों, इन सभी प्रकार का मैंने आपको समझ किया हूँ छात्रों। छात्रों फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।